फ्रेंड्स शांतनु, वेलकम टू शांतनु वर्ड्स केयर। फ्रेंड्स, आज जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे, क्योंकि मैं जानबूझ के ये टॉपिक चुना, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए, जो सही से देखो, अगर पूरा पूरी अगर हम लोग फॉलो में रखें वर्ड्स को, तो उसका इंडाइजेशन प्रॉब्लम, मतलब पेट रिलेटेड, गट हेल्थ जिसको हम लोग बोलते हैं, या इंडाइजेशन प्रॉब्लम, डायरिया, डस्ट का प्रॉब्लम, लगातार रैंडम प्रोसेस से चलता रहता है। एक होता है देखिए सीवियर डिजीज़, एक होता है क्रॉनिक डिजीज़, तो दोनों में ही आप लोगों का बार्स कहीं ना कहीं घूम फिर रहे हैं। कुछ लोग ख्याल कर पाते हैं, हम लोग क्या करते हैं, जो हम लोग ये पॉइंट भी मैंने उठाया था, जो हम लोग जहाँ पे जो फोकस होना चाहिए, जैसे मान लीजिए अपने कुछ लूज मोशन हो रहा है, तो उसका कोई होम्योपैथिक एलोपैथिक हम लोग दवा प्रोवाइड करते हैं, दो दिन के लिए सही हो जाता है, फिर लग जाता है उसका सेम पॉइंट। क्योंकि हम लोग जो कॉज है, कहाँ पे हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसमें काम नहीं कर रहे हैं। तो इसीलिए ऐसे कोई घरेलू उपचार जो आपको हर घर में, चाहे वो इंडिया हो चाहे इंडिया के बाहर हो, ऐसे कोई बात नहीं है। जो जैसे मैं मेडिसिन आप लोगों को बोलता रहता हूँ, तो कुछ लोग जैसे आप लोग व्हाट्सएप में बोलते रहता, ये मेडिसिन होम्योपैथिक मेडिसिन अवेलेबल नहीं है, ये होम्योपैथिक मेडिसिन लेने के लिए मैं बहुत दूर जाना पड़ेगा। लेकिन जो दो इंग्रेडिएंट्स के ऊपर हम बात करेंगे, ये हम लोग के हर घर में अवेलेबल है, इसके लिए आपको कहाँ पे दूर नहीं जाना है, और इतना ताकत है, क्योंकि इसको हम लोग नेचुरल चीज़ को बहुत हल्के तरीके से लेते हैं आज के डेट में, क्योंकि कहीं ना कहीं डिपेंड ऑन हम लोग यूज टू हो चुके हैं मेडिसिन के ऊपर। और कुछ हद तक देखिए, मेडिसिन कोई ख़राब चीज़ नहीं है, मेडिसिन को लेना तभी तो आया है ना। मेडिसिन जितना हो सके, अगर हम लोग जैसे कल हम लोगों का एक मीटअप था, ऑनलाइन मीटअप था, तो उसी ऑनलाइन मीटअप पे एक भाई ने बोला, जो उस इस चैनल से जो नेचुरल तरीका सीखा, उससे बहुत काम हुआ, या गोल्डन फिंच का भी बहुत फ़ायदा हुआ। तो मैं चाहता हूँ इसीलिए ये जो इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर किया जाए, सिर्फ दो चीज़ अगर आप सही तरीके से यूज़ करोगे, तो उसका बेनिफिट लॉन्ग टाइम के लिए होगा नहीं, एकदम सही हो जाएगा। क्योंकि जैसे मैंने बोला, एक होता है सीवियर डिजीज़, मतलब बहुत ही कोर प्रॉब्लम हो गया, और एक होता है क्रॉनिक डिजीज़, मतलब दो दिन के लिए प्रॉब्लम सॉल्व होता है, तीन दिन से फिर शुरू हो जाता है इंडाइजेशन। या कभी कभी क्या होता है, देखिए आपका बार्स का जो सुक्रा होता है ना, सुक्रा भी कभी कभी इंडाइजेशन के चलते चले आते हैं, क्योंकि हम लोग मान लीजिए हम लोग खाना खा रहे हैं, खाना खाने के बाद खाना को शरीर में भीतर में जाके जो HCl एसिड होता है, वो जो इंक्रीज होता है, वो खाना को पचाते हैं, पचाने के बाद शरीर में जो प्रोसेस होता है, खाने में जो न्यूट्रिशन है, बॉडी में एब्जॉर्बेशन होता है, विटामिन्स फैट में एब्जॉर्ब होता है, बाकी सारी चीज़ जहाँ जहाँ एब्जॉर्बेशन होना चाहिए हो जाता है। लेकिन अगर वो खाना पचने लगता है, मतलब सड़ने लगता है शरीर में जाके, तो लूज मोशन, डायरिया, डस्ट, इंडाइजेशन प्रॉब्लम। क्योंकि ये हम लोगों को लगता है, जैसे मान लीजिए आपका कोई फूड पॉइजनिंग हुआ है, या आपका कोई डायरिया, दस्त, ऐसे कुछ प्रॉब्लम हुआ, तो देखिए गैस, एसिडिटी फॉर्मेशन होता है, ये बार्ड्स के शरीर में भी होता है, उस एज पर उसका एनाटॉमी वो होना ही होना है। वो लोग जाहिर नहीं कर सकते क्योंकि बोल नहीं पाते हैं, लेकिन भीतर में एसिडिटी और गैस फॉर्मेशन होता है, कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ इंडाइजेशन का, लीवर, इंटेस्टाइन, पैंक्रियास, या HCl जो इंक्रीज, सॉरी मतलब बाहर निकलते हैं, कभी कभी ओवर निकल जाते हैं, और कभी कभी जो प्रोसेस है, जो जूसेस है, एंजाइम है, पेप्साइन बोल के जो एंजाइम है, सही निकल नहीं पाती। इस रिलेटेड मैं दो पॉइंट बताऊंगा, अगर जो लोग हमको भरोसा करते हो, देखिए कहीं ना कहीं भरोसा की बात नहीं है, बात यहाँ पर है जो कब आप लोग समझोगे। क्योंकि सिर्फ खाना, कल एक कॉमेंट्स एक आया था, उसके ऊपर मैं कल वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि उतना ज़रूरी वीडियो नहीं है जितना ज़रूरी ये वीडियो है। जो खाना डार्ट्स को ज़्यादा देने से वो मर जाता है, कहाँ का बात है, मतलब सोच समझ के कमेंट्स कीजिएगा, क्योंकि जिसको कमेंट्स कर रहे हो, मतलब हम ठीक है, चलिए वो कल का वीडियो में बात करेंगे, पूरा विस्तारित रूप से बात करेंगे। आज ये बात सोच, थोड़ा सा ध्यान लगाइए, खाना को सही प्रोसेस में आपको देना पड़ेगा, सही तरीके से देना पड़ेगा, खाने को टाइम का मेंटेन करना पड़ेगा। जैसे मेरा सेटअप में ही सोच लीजिए, सुबह 6:15 टू 6:30 तक खाना, मतलब जिसका अगर मान लीजिए ब्रेकफास्ट ही ले लीजिए, चले जाते हैं हर बार्स के लिए, क्योंकि ये रूटीन है। और एक होता है नींद अगर आपका सही नहीं है, आपका बार्स का, आप अपने मन मर्जी सेटअप को ऑन ऑफ कर रहे हो,
तो आपका बार्स का डायरिया दस्त चाहे हो, देखिए बजीज बार्स को मैंने कभी खुद के घर में नहीं देखा आज तक, अभी भी बजीज है जो उसका पॉटी का प्रॉब्लम है, हमेशा ड्राई पॉटी करते हैं, कभी कभार होता है वो अलग बात है, लेकिन आप लोग जैसे जो रैंडम प्रोसेस में जो प्रॉब्लम चल रहा है, आराम आपको पूछता रहता हूँ, मैं मेडिसिन बताता रहता हूँ, ये सिलसिला कब तक चलेगा? तो इसीलिए मैंने सोचा एक नेचुरल घरेलू उपचार से अगर इसको सही किया जाए तो किसी का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। डिपेंड्स ऑन आप प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हो क्या, ना इसी प्रोसेस में जाना चाहते हो, क्योंकि कहीं इतना जान लीजिए आपका बार्स का अगर डाइजेशन प्रॉब्लम है, ना कभी वो सही से जी पाएगा ना ब्रीड कर पाएगा। ब्रीडिंग के रिजल्ट हमेशा जो आप लोग फ़ोन करते दादा बेबीज हुआ है बजीज के ऊपर, मतलब जो मटकी है पानी से भर गया, पानी मतलब पॉटी, तो ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि इतना वही होता है सीवियर कंडीशन, ठीक है, एकदम कोल्ड लेवल, मतलब कुछ भी खाते हो पानी भी खाएगा उसका डायरिया दस्त हो जाएगा, तो ये इसको सॉल्व करना है। तो इसीलिए कुछ नियम को लागू कीजिए अपने सेटअप पे, देखिए घिसे पीटे नियम के आगे मत बढ़िए, अगर प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हो अपने मन पे इच्छा है तो आगे बढ़िए। एक होता है खाने का प्रोसेस सही कीजिए, एक टाइम में सब कुछ खाना मत प्रोवाइड कीजिए, क्योंकि अगर आप खुद को ही ले लीजिए, अगर आपको देखिए वो बात बात अलग है, जो कुछ जैसे हम लोग देखते रहते हैं या प्रमाण है जो हम लोग मान लीजिए जो रिकॉर्ड बनता है, जो इतने खाना एक साथ इंटैक्ट कर लिया रिकॉर्ड बन जाता है गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड, वो अलग प्रोसेस है, वो प्रैक्टिस है, लेकिन आप हम खाए ऐसे लगातार कुछ तो हम लोगों का इंडाइजेशन प्रॉब्लम आ जाएगा और शरीर बहुत बीमार पड़ जाएगा, क्योंकि शरीर को लेने का भी एक क्षमता है। तो इसीलिए मैंने हमेशा आप लोगों को बोला जो विभिन्न किस्म का खाना जरूर सॉफ्ट फूड जरूर प्रोवाइड कीजिए, लेकिन 7 दिन को तोड़ लीजिए, एक एक दिन 3 काइंड्स ऑफ खाना, अगर निर्भर करता आप देते हो कि नहीं, लेकिन वो कमेंट्स लागू नहीं होता है, फिर उच्चारण कर लूँ जिसका डिटेल वीडियो कॉल आ रहा है, मैं भी जानना चाहता हूँ जो एक बात कितना सच्चाई है, मैं तो इतना कुछ नहीं जानता हूँ, ऐसे ही बिना ना जानते हुए आप लोगों के सामने आ चुका हूँ कुछ भी वीडियो बनाने के लिए, मिस इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए, तो इसीलिए बोल रही हूँ। अलग बात है जो बार्स को खाना देने से नहीं, खाना देने का तरीके से मर जाता है, खाना कितने टाइम पड़ा रहता है, वो कितना कैसे इंटैक्ट कर, अगर उसका इंडाइजेशन ही प्रॉब्लम है, पेट का हालत हेल्थ सही नहीं है, तो मैं बोल रही हूँ तो उसका पानी भी खाएगा तो 2 दिन बाद उसको डायरिया लग जाएगा, क्योंकि पानी में भी बैक्टीरिया होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसीलिए उस टाइम पे पानी को बॉयल करके देना पड़ेगा या कोई मिनरल्स वाला पानी जैसे बिस्लरी, ये सारी चीज़ को आपको यूज़ करके टेस्टिंग करना पड़ेगा। होम्योपैथिक एलापैथिक बहुत सारे चीज़ है, लेकिन ये सिप्स और सिप में नेचुरल तरीका आपको साथ शेयर कर रही हूँ, मतलब इंग्रेडिएंट का नाम बता दूँगा, लेकिन आपका सही डोज जानना है, जो फिंच का क्या होगा, लाबाट का क्या होगा, कॉकटेल का, कनूर का क्या होगा, तो हमको व्हाट्सअप कीजिएगा, मैं व्हाट्सअप में आपको सही डोज बता दूँगा, ये डोज हम इधर शेयर नहीं करेंगे, और कमेंट्स पे मत कीजिए दादा व्हाट्सअप मतलब डोज बता दीजिए, अगर वीडियो में ही बोल रही हूँ तो कमेंट्स नहीं करूँगा ना, तो इसीलिए आपको व्हाट्सअप करना पड़ेगा। वो ये है, एक होता है अजवाइन, अजवाइन में इतना ताकत है, देखिए नेचुरल को हल्के तरीके से मत लीजिए, आज दूर दूर से कॉल आता है दादा होम्योपैथिक एलापैथिक बहुत हुआ, अभी नेचुरल बताइए, और नेचुरल करने के बाद ऐसे फ़ोन भी आता है, आपका चैनल बहुत दिन से देख रही हूँ, आज मतलब इच्छा हुआ आपके साथ बात करने के लिए, बहुत मदद मिला नेचुरल तरीका अपना के, तो इसीलिए नेचुरल में इतना ताकत है जो दुनिया को आपका बदल सकते हैं, तो इसीलिए सही उसको भी सही डोज सही तरीके से आपको यूज़ करना पड़ेगा अजवाइन, और एक होता है ब्लैक सॉल्ट जिसको हम लोग बंगाली में बिटनून बोला जाता है, और आपको इंग्लिश में उसको ब्लैक सॉल्ट बोला जाता है या हिंदी में काला नमक बोला जाता है, एक होता है संधोक नून जिसको सफ़ेद सफ़ेद दिखता है, और एक होता है ब्लैक सॉल्ट जो डस्ट करने के बाद थोड़ा सा चॉकलेट कलर का, हल्का सा चॉकलेट कलर का मिलता है आपको, ये इजीली ये दोनों इंग्रेडिएंट आपका घर में हो या बाज़ार में हो अवेलेबल होता है, कोई भी दुकान पे, चाहे वो स्टेशनरी दुकान हो या बाज़ार में या जैसे पूजा पाठ की दुकान में भी अवेलेबल हो जाता है, ये दोनों को आप एक साथ बना के डोजेस, तो मैंने सॉरी परसेंटेज नहीं बताया या बता क्यों नहीं, आपको व्हाट्सएप में पूछना पड़ेगा, 50 हाँ ड्यूरेशन बता दे रही हूँ, 15 to 1 month आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा बैक टू बैक डे में, अब जब 1 month या 15 days मतलब 15 days चलता रहेगा ना, आप खुद ब खुद जान जाओगे जो क्या उन्नति हो रहा है, इंडाइजेशन उन्नति तो होगा, भूख बढ़ेगा,
यहाँ तक कि जिस कारण से सिनाटान हो रहा है, सिनाटान का बहुत सारे कारण हैं, उनमें से एक कारण है इंडाइजेशन प्रॉब्लम। तो उस इंडाइजेशन प्रॉब्लम को अगर सॉल्व होने लगे अपने आप नेचुरल तरीके से, तो आपका शुक्रा भी आहिस्ता आहिस्ता सही होने लगेंगे। भरोसा है तो करके देखिए। और जब पूरा आपका ड्यूरेशन कंप्लीट हो जाएगा ना, तो बिफोर ड्यूरेशन के पहले आपका बार्स का जो स्थिति था और अभी उस टाइम पे जो स्थिति होगा, आप खुद पता लगा सकते हो जो कुछ बदला या नहीं बदला। तो अजवाइन को बहुत सारे इसमें, अजवाइन या आपको काला नमक में बहुत सारे मिनरल्स और कैल्शियम का सोर्स होता है, मैग्नीशियम, पोटासियम, फॉस्फोरस, आयरन का भी सोर्स होता है। ये सबसे बड़ा चीज़ है, अजवाइन में फाइबर होता है, जो फाइबर गट हेल्थ के लिए, मतलब पेट के हेल्थ के लिए, लीवर इंटेस्टाइन हेल्थ के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। उसके साथ साथ ये एंटी इंफ्लेमेटरी भी है, उसके साथ साथ ये एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल भी है और एंटीवायरल भी है। तो अजवाइन को हल्का से मत लीजिए, अजवाइन को देना। जैसे देखिएगा आप लोग जो वी प्लस यूज़ करते हो, उसमें अजवाइन ऑलरेडी आप लोग स्मेल से ही पता लगा सकते हो। तो अजवाइन जो लोग पहले उसका इंडाइजेशन प्रॉब्लम या लूज मोशन था, अभी क्या है आप लोग जान ही सकते हो, इसीलिए तो बार बार रीऑर्डर आ रहा है। दादा अभी जो ये स्थिति है, आप जो एक मतलब 250 ग्राम को ले रहे थे, अभी एक किलो में या 500 में ऑर्डर आ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसमें मैंने इंडाइजेशन के ऊपर बहुत काम किया, अभी भी काम कर रही हूँ। आपका आहिस्ता आहिस्ता मान लीजिए 6 महीना 5 महीना के बाद जो लोग अभी से वी प्लस यूज़ करो, मेडिसिन कॉस्ट लगभग कम हो जाएगा, मतलब 90% to 95% कम हो जाएंगे, क्योंकि चीज़ों को वैसे ही बनाया जाता है बहुत ही सोच समझ के। जो फिंज बाट खाने से क्या होता है और लबार्ट खाने से क्या होगा, और मतलब बड़े बाट जो, क्योंकि अभी तो डेट में मेरा काकातू मान लीजिए, ग्रे पैरोन मान लीजिए, अमेजोन भी मान लीजिए वी प्लस खिलाड़ी प्रमाण है, इसलिए बोल रही हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अजवाइन को और काला नमक को आपको एक कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा, उसको 15 to 1 month कंटिन्यू करना पड़ेगा। आफ्टर कंटिन्यूएशन आपका खुद ब खुद रिजल्ट सामने आ जाएगा। जो ये सारे मतलब रैंडम प्रोसेस आपका पूरा पूरी, चाहे अजवाइन या बेटनून को या काला नमक को एक साथ देने में जो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा ना, इंडाइजेशन, लूज मोशन, डायरिया, बहुत सारे चीज़ों में आपको काम पड़ेगा। बार्स का जो भूख का इच्छा होगा वो बढ़ जाएंगे नेचुरली, ना कि कोई केमिकली, क्योंकि इसमें जो जो मतलब नेचुरल इंग्रेडिएंट्स, सॉरी मिनरल्स है, या पोटेशियम जैसे मैंने बोला, कैल्शियम दोनों में है, फाइबर है आपका, पोटेशियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, आयरन, बहुत सारे चीज़ें हैं जो गट हेल्थ के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। यहाँ की अजवाइन इंटेस्टाइन लीवर को भी, भीतर में कोई इन्फेक्शन है उसको भी दूर करते हैं। तो इसको आपको सही तरीके से अपनाना है, सॉफ्ट फूड में भी दे सकते हो या आप पानी में भी दे सकते हो। इसके साथ थोड़े बहुत कभी कभार आप नींबू को आप ज़रूर यूज़ कर लेना, नींबू में भी विटामिन सी होता है जो इम्यूनिटी को ग्रो करने में, और इसमें भी डाइजेशन पावर होता है, क्योंकि उसमें भरपूर मात्रा में विटामिन होता है, और खाना भी चाहिए, चाहे स्किन के लिए हो। इतना जान लीजिए जो बिटनून है या काला नमक है या ब्लैक सॉल्ट है, ये आपके बार्स का फेदर के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद है, क्योंकि फेदर में देखिए जब फेदर प्लैकिंग होता है ना, तो बार्स क्या करते हैं, एक दूसरे जब प्लैक करते हैं एकदम नीचे वाला पोर्शन में, फेदर का नीचे वाला पोर्शन में अगर आप सही से देखोगे, मतलब वो सारे मशीन से देखोगे, तो खून का थोड़ा सा डॉट रहता है, वो खून में डॉट में थोड़ा सा नमक होता है जो पोटेशियम, मैग्नीशियम, सोडियम का कहा जाता है। तो ब्लैक सॉल्ट उस सारे पोर्शन में बहुत मदद करते हैं। कभी ब्लैक सॉल्ट में को समर या रेनी सीजन में केज में मत रख दीजिए। आपका एस्बेस्टर का केज हो या कुछ भी केज हो जो नीचे आप लोग केज फ्लोर में देते हो, वे समर और रेनी सीजन में सॉल्ट का जो मतलब जिस इंग्रेडिएंट्स के सॉल्ट को बनाया जाता है या नेचुरल प्रोसेस जो है वो गलने लगते हैं और वो खार है उसमें, ठीक है, वो अगर लोहा को या कुछ भी को टच करे वहाँ से देखिएगा कटिंग, मतलब वो टूट जाता है या ख़राब हो जाता है। वही चीज़, वो तो अलग बात है आप बदल दोगे, वो अगर कहीं ना कहीं आपका बार्स उस लोहे को इंटैक्ट कर ले वहाँ से, तो टॉक्सिन पॉइज मतलब टॉक्सिन उसके शरीर में जाएगा, यहाँ तक उसका मौत भी हो सकता है। देने का तरीका है आप खाने के साथ दीजिए या आप ग्रिट बना के भी दे सकते हो, ग्रिट का अलग प्रोसेस है, उसका मकदार अलग अलग होगा, लेकिन अगर आप पानी में दे रहे हो तो कोई चांस नहीं है। लेकिन हाँ, ब्लैक सॉल्ट को कहीं ना कहीं अगर हम लोग मेटल में दे रहे हैं
तो ज़्यादा टाइम पड़े रहने से, थोड़ा सा क्वांटिटी ज़्यादा हो जाने से उसमें भी केमिकल रिएक्शन हो सकता है। इसीलिए प्लास्टिक का जो पॉट होता है, एक गुड क्वालिटी का प्लास्टिक का पॉट, वहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे आंवला के बारे में बोला था, जो आंवला कोई भी मेटल पॉट में मत दीजिए, काला हो जाएगा पूरा रंग, और कोई नुकसान नहीं करेगा बर्ड्स को। थोड़े बहुत इंडाइजेशन प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन असर ख़त्म हो जाएगा। आंवला को देने का तरीका है पानी में, आप प्लास्टिक का पॉट में यूज़ कर लीजिए। तो ये दोनों इंग्रेडिएंट्स आप ज़रूर यूज़ कीजिए, आपका बार्स का इंडाइजेशन प्रॉब्लम, लूज मोशन बहुत ज़बरदस्त काम करेगा। क्रॉनिक हो, सीवियर हो, हर प्रॉब्लम सॉल्व होगा। तो चलिए, डोजेस पूछ लेना अगर आप लोगों को कुछ जानना है, हम ज़रूर गाइड करेंगे।